हो गई क्षमा बिंदु की खुद से शादी, खुद भरी मांग और लिए साथ फेरे। नमस्कार, मैं हूँ सबानु सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पूरी खबर के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुद से शादी का ऐलान करने वाली क्षमा बिंदु की आखिरकार शादी हो ही गई। भारत में खुद से शादी सोलोगेमी का यह पहला मामला है। 24 साल की क्षमा की शादी में अड़चन भी आई थी जब पंडितों ने उनकी शादी कराने से इनकार कर दिया था। आखिरकार बिना दूल्हे और पंडित के क्षमा ने खुद से शादी कर ली। उन्होंने खुद ही फेरे लिए और अपनी मांग में सिंदूर भरा। क्षमा ने शादी में मेहंदी और हल्दी की रस्में भी की। इस शादी में क्षमा के खास लोगों को ही बुलाया गया था। उन्होंने तय समय से 3 दिन पहले ही शादी रचा ली। लाल जोड़े में सजी क्षमा की शादी में सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी हिंदू लड़की की शादी में होता है। बस कुछ नहीं था तो वो था दूल्हा और पंडित। क्षमा ने खुद की मांग में सिंदूर भरा और खुद को मंगलसूत्र पहनाकर अकेले साथ फेरे लिए। क्षमा ने शादी की रस्मों को पूरा करने के बाद कहा, मैं बेहद खुश हूँ कि आखिरकार अब मैं शादीशुदा महिला हूँ। बता दें कि क्षमा 11 जून को शादी करने वाली थी, लेकिन उस दिन किसी विवाद की आशंका की वजह से उन्होंने तय सीमा से पहले ही शादी करने का फैसला किया। शादी में क्षमा के कुछ दोस्त और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। 40 मिनट तक रस्मों का दौर चला जो पंडित जी के न आने से डिजिटल तरीके से सम्पन्न हुआ। नाच गाना और खुशी के माहौल के बीच रस्में पूरी हुईं। शादी से पहले मेहंदी और हल्दी की रस्म निभाने वाली क्षमा ने कहा कि उनके कुछ पड़ोसियों को शादी को लेकर आपत्ति थी और उन्हें आशंका थी कि उस दिन वो लोग कुछ बाधा जरूर डाल सकते हैं, इसलिए तय समय से पहले ही शादी रचा ली गई। क्षमा ने कहा, मैं मंदिर में शादी करना चाहती थी लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वेन्यू बदलना पड़ा। शादी की रस्में पूरी होने के बाद क्षमा ने दोस्तों और मेहमानों के साथ लंदन ठुमकदा गाने पर जमकर डांस किया। आईने के सामने खड़े होकर क्षमा ने खुद को चूमा और मुस्कुराते हुए कई पोज दिए। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।